बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां पर जिले के ग्राम मोहद में शासकीय माध्यमिक विद्यालय के मध्याह्न भोजन में धांधली का मामला सामने आया है। यहां पर बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है, साथ ही जो भोजन परोसा जा रहा है वो भी गुणवत्ताहीन है। बच्चों ने भोजन बनाने वाले समूह पर आरोप लगाया है कि भोजन में कभी बाल निकलते हैं तो कभी खिचड़ी में इल्लियाँ निकलती है। इस संबंध में हमने हमारे शिक्षकों से भी शिकायत की है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि शिकायत करने पर भी समूह ने भोजन बनाने में कोई भी सुधार नहीं किया है। वहीं जब इस संबंध में स्कूल के जिम्मेदारों से चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा, और इतना घटिया खाना जब बच्चों को दिया जा रहा है, और अगर बच्चों को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, अधिकारियों की या फिर जिला प्रशासन की? और कभी उनसे मांगो पूरी दो तो बोलते कि हम बोले कि इतनी उतनी तो एक दे दे, कभी दो देते हैं, फिर तीन के ऊपर। मतलब बराबर खाना परोसते भी नहीं? नहीं सर। आपने इसके बारे में कितने बार सर को बताया था? हमने बहुत बार बताया ले। फिर सर क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं कि उनको बोलो तो वो सुन देने, फिर हमने भी क्या करना। घर पे भी लेके जाते, खिड़की में से डब्बे निकालने का। सर खाने में पानी निकलता है, खाने में पानी डाल के देते और ऊपर से वो पहले खा लेते हैं, फिर बाद में हम देते हैं पानी डाल। स्वादिष्ट भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है? नो सर। और क्या क्या समस्या आती है भोजन को लेकर? उसमें बाल भी निकलता है हर भोजन में। मतलब अच्छे से खाना नहीं बनाया जाता?